ब्रेक परे स्वागत। धीरे धीरे सुस्थ हेबारे लागिछन्ते बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। गतकालीठ स्वाइन फ्लू रे आक्रांत हो नुआदिल्ली स्थित एम्स रे चिकित्सित होउछन्ती अमित शाह। स्वास्थ्यावस्था रे उन्नति आसिबा परे आसंता काली मेडिकल रु डिस्चार्ज होई पारंती अमित शाह। एने दिल्ली एम्स पक्षरु सूचना मिलिछि। आज सकाळे डाक्टर तांकर स्वास्थ्यावस्था परीक्षा करथिले परे तांको स्वास्थ्यावस्था रे उन्नति हेबा नै सूचना देथिले। गतकाली स्वाइन फ्लू रे आक्रांत हेबा नै ट्वीट करी सूचना देथिले अमित। ईश्वरों कृपा और जनता आशीर्वाद से शीघ्र सुस्थ हेबे बोली ट्वीट रे उल्लेख करथिले। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मध्य ट्वीट करी शाहंकर आशु आरोग्य कामना करथिले। सेबड़ा आसंता काली ओडिसा आसी थांते अमित शाह सालेपुरे तांकर विशाल जनसमावेश को संबोधित करिवार कार्यक्रम थिला। किंतु वर्तमान से असुस्थ थिबारु एहाकु स्थगित रखा जायथिबा बीजेपी राज्य उपसभापति समीर महंती सूचना देछंती। सेपरि 20 तारीख रे पश्चिमबंग रे मध्य साहांकर राली करिवार कार्यक्रम थिला किंतु असुस्थता कारणरु एहाकु घुंचाई दिया जिवार संभावना रहिछि। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह स्वाइन फ्लू की वजह से एम्स में भर्ती हैं। वार्ड नंबर 301 में एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की देखरेख में यहां पे उनका इलाज चल रहा है। जिस तरह से कहा जाता है कि वायरस की वजह से उसके आसपास में जो भी लोग आते हैं उन्हें भी स्वाइन फ्लू पकड़ लेता है। उनके इलाज में होने में कम से कम 2-3 दिन का वक्त जरूर लगेगा क्योंकि ऐसा एक मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है। हालांकि देखना अब यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यहां पे कितने दिन और रहते हैं ये तय करेगा इनके मेडिकल बुलेटिन में। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। दिल्ली रो खालिया रे घर मालिक और भड़ाटियां को मध्य रे संघर्ष घटी जने महिला को मृत्यु। ए गंडगोल रे दुई जना गुरुतर आहत होइछंती। सेमानों को स्थानीय डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायछि। स्थानीय लोकों को कहिबा कथा कोनोसी कारणरु घर मालिकों को पुओ घर भड़ा नै रहुथिबा परिवार लोकों को छुरी रे आक्रमण करथिले जेउथिरे जने महिला को मृत्यु होइछि। पुलिस घटनार तदंत करूछि। हस्बैंड और वाइफ हैं और एक उनका बेटा है 18 साल का, उनको चाकू से मारा है। अभी तक हमारे पास जो खबर है उसमें जो वाइफ है उसकी डेथ हो गई है सुनीता, और बाकी जो दो बाप और बेटे हैं उनकी हालत स्थिर है। अभी गंभीर नहीं है? नहीं गंभीर है लेकिन अभी स्थिर। उत्तर प्रदेश रो शाहजहानपुर रे मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना। दुईटी ट्रक मध्य रे चापी होईछि एक पिकअप भ्यान। दुर्घटना रे 4 जण यात्री कर मृत्यु होईछि। या सहित जणे बाइक आरोही कर घटना स्थल रे मृत्यु होईछि जेउथिरे ट्रक चालक आहत होईछन्ति। पुणि बढ़ला पेट्रोल और डीजल दर। आज राजधानी दिल्ली रे पेट्रोल दर 14 पैसा वृद्धि पाई 70.47 टका पहुंचे छे। से परे डीजल दर 19 पैसा वृद्धि पाई 64.78 टका होई छे। सुप्रीम कोर्ट को कटकणा परे भी तमिलनाडु रे जालीकट्टू परंपरा जारी रही। परंपरा को खूब जोरसोर पालन करुछंती राज्यवासी। पोंगल पर्व रे जालीकट्टू पालिबार परंपरा अछि। एही दिन रे संढ मानक सह मैदान रे कुस्ती करिथांती लोके। ए खेल खूब भयानक होइथाय। अनेक लोक ए खेल द्वारा आहत होइथांती। संढ सह लढाई रे किए विजयी हुए तांकु पुरस्कार प्रदान करा जायथाय। प्रसिद्ध कुंभ मेला रे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रयागराज रो संगम स्थल रे वैदिक रीतिनीति रे पूजार्चना करा जाय छि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एही पूजार्चना रे शामिल होई छंती। पत्नी सविता कोविंद को सह मां गंगा को पूजार्चना रे शामिल होइथिले राष्ट्रपति। ए पूजार्चना रे राज्यपाल राम नायक एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित अछंती। ए पूजा परे साधु संतंकु भेटिबे राष्ट्रपति। परे बालसन चौराहा रे महर्षि भरद्वाज को प्रतिमूर्ति लोकार्पण करबा कार्यक्रम रही छि। कुंभ मकर राशि रे प्रवेश करिबा क्षणी प्रयागराज रे आरंभ होइगला कुंभर प्रथम पवित्र बुड़। त्रिवेणी संगम रे आस्थार अद्भुत दृश्य देखी अभिभूत हेला सारा विश्व। 49 दिन धरि चालिबाकु थिबा कुंभर प्रथम शाही स्नान रो किछि अद्वितीय चित्र देखिबा ए रिपोर्ट रे। कुंभर भव्य दृश्य आस्थार सबुठारु बड़ मेला।
ଯାହାର ସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଲା ବିଶ୍ୱ। ମନ୍ତ୍ରରୁ ବ୍ୟାପିଲା ଦିବ୍ୟତା। କୁମ୍ଭର ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। ये विश्वर सबुठारु बड़ कुंभर विहंगम दृश्य। यह प्रयागराज त्रिवेणीर अद्भुत दृश्य। ए दृश्य हेउछि कोटि कोटि श्रद्धालु और साधु संतंक सत्य सनातन धर्म प्रति श्रद्धा और विश्वास। संगम तटरे सोमवार सकाळु शाही स्नान सह होइगला कुंभर शंखनाद। ବିଭୂତିରେ ଗାଧୋଇଥିବା ନାଗା ସାଧୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି ହେଲା। ଜୟ ଜୟକାର ଓ ଢୋଲ ବାଜାର ଧ୍ୱନି ଆସ୍ଥାର ଏହି କୁମ୍ଭର ଭବ୍ୟତା ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଦେଲା। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠିକୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେଠାରେ ଦେଖାଗଲା ଭବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଓ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରାଗଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଶାହି ସ୍ନାନ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ ଆଉ ଏହାର ମହତ୍ଵ ଆପଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସବୁରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଶାହି ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସବୁ ଆଖଡ଼ା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଛାତି ଥରା ଥଣ୍ଡା କୁହରାଇ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ। ଏ ଚିତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଅଦ୍ଭୁତ, ଅତୁଳନୀୟ, ଅକଳ୍ପନୀୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ନବ ଦାସ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ପିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଭାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ନିରଞ୍ଜନ। ଏଥିସହିତ ଏଆଇସିସିର ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଗତକାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ନବ ଦାସ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଦୁଇ ବିଧାୟକ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି। ନବ ଦାସ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ଆଉ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଦଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େନି, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। 2014ରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଦଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଏହା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ, ମାତ୍ର ଭରଣା ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଯାଏ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ପୁଣି ପୂରଣ ହେଇଯାଏ। ତିନିଟା ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯେକୌଣସି ରାଜନୀତିକ ନେତା କିମ୍ବା ରାଜନୀତି ଉପରେ ଯାହା ରୁଚି ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଯେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିବ ହିଁ। କିନ୍ତୁ ପଳେଇବା ରହିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କାହାର ଇଚ୍ଛା ରହିବ କାହାର ଇଚ୍ଛା ପଳେଇବ ତା ଉପରେ ଦଳର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ହୁଏତ ସାମୟିକ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦି ଲଙ୍ଗ୍ ରନ୍ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଯଦି ବିଧାନସଭାରେ ଏମାନେ ଦଳରୁ କେତେଜଣ ଯିବେ ତାହେଲେ ବିଧାନସଭାରେ ଆମର କିଛି ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେସନ ବିଧାନସଭା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବିଧାୟକ ଦଳ ଉପରେ ଦଳ ନିର୍ଭର କରେନି। ଦଳ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କର୍ମୀ, ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଦଳ ନିର୍ଭର କରେ। ବାଣୀବିହାରରେ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନା। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭିସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାର ସମାଧାନ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟାୟାର ଜାଳି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ୍ ଅଫିସର ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍ ଡିଜି ଆର୍ପି ଶର୍ମା। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଡିଜି, ଆଇଜି, ଡିଆଇଜି ଓ ଏସ୍ପି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ପୁଲିସ୍ ଡିଜି ଯୁବ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କଲେ ମିଳିବ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ। 2018ରେ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍।
विश्वकप हकी राज्य पुलिस विश्वस्तर से प्रशंसा पाई एथसत नक्सल प्रभावित जिले एसपी मैंने भल कम कर पुलिस डीजी तीनदिनिया सम्मेलन में निर्वाचन सुरक्षा परिचालना को मुख्य प्रसंग करमशाला रखी राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी जोगद पुलिस अधिकारी एक घंटा धरी आलोचना करे सेपरी साइबर क्राइम उपर एक कर्मशाला रखी साइबर एक्सपर्ट मैंने कर्मशाला पुलिस अधिकारी तालीम प्रदान करेंगे सप्तम बाटालियन आईपीएस अफिसर गेस्ट हाउस आयोजित होनीदिनिया सम्मेलन गोटे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल गोटे इंटेलिजेंस सेटअप एस्टेब्लिश करू शीघ्र एस्टेब्लिश करू 19 तारीख रे माननीय मुख्यमंत्री सेशन रे आसीबे तांको सहित मध्ये हमरो कौन चैलेंजेस अच्छी कौन सक्सेस अच्छी सेटा शेयर करा जीवे 2019 रो वर्तमान जो सबुठ बड़ो चैलेंज अच्छी सेटा होसी हमरो जनरल इलेक्शन जो विदिन फ्यू मंथ्स हेबाको जाउची और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन एनश्योर करिवारो ओडिशा पुलिस रो दायित्व अच्छी से सबू एसपी मैंने फील्ड लेवल जो अफिसर्स मैंने अच्छा ट्रेनिंग सेशन सेंसिटाइजेशन कर ब्रेक परे स्वागत।